भाई ये जो मतलब पोखरा लग ही नहीं रहा यार, मतलब कोई एंगल से पोखरा है ये भाई, यहाँ पे ना अलग ही मॉल बना हुआ यार। यहाँ पे ना आप एक साइड कहीं भी जाओगे ना, यहाँ पे हर कोई अपना अपना डांस यहाँ पे करते हैं। यू डू लाइक नागी डांस, स्नेक डांस, या देखो भाई मैं आपको सच ओपिनियन बताता हूँ, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। मैं जो यहाँ पे काठमांडू में मैं जनवरी में जो देखा था ना, वो भाई मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है। स्वागत करता हूँ आपका वापस से फिर से एक न्यू वीडियो पे। और इस बार मैं फिलहाल पोखरा में पहुँच चुका हूँ। मैंने कोल रखा था और मैंने लोगों से पूछा था कि सबसे अच्छा न्यू ईयर कहाँ मनाया जाता है, तो लोगों ने बोला नेपाली न्यू ईयर सबसे अच्छा पोखरा मनाया जाता है। तो मुझे फिर से पोखरा आना पड़ गया यार। और जो धामपुस का जो वीडियो है ना, वो वीडियो आपको इस वीडियो के आने के बाद आपको शायद वो वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो वो वीडियो थोड़ा डिले होगा क्योंकि वो वीडियो में ना हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। मैं ना काठमांडू जाने वाला था, बट काठमांडू में लोगों ने मुझे बोला कि काठमांडू में उतना अच्छा नहीं बनता, वहाँ पे इंग्लिश न्यू ईयर काफ़ी अच्छा बनता है, बट यहाँ पे नेपाली न्यू ईयर ज़्यादा अच्छा बनता है पोखरा। तो मैं यहाँ पोखरा आ गया हूँ, तो चलो देखते हैं भाई नेपाली न्यू ईयर यहाँ पे पोखरा में कैसे सेलिब्रेट लोग करते हैं। अभी ना शाम के ना अभी शाम के 6 बजने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे अभी ना मतलब कि बहुत अच्छा सेरेमनी वगैरह होने वाला है, बहुत अच्छा यहाँ पे रोड में बहुत अच्छा सजाया हुआ है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ भाई, यहाँ का रोड कितना अच्छा सजा हुआ है ना, मुझे देखिए ना भाई, मैं शौकी हूँ। इतना अच्छा तो वहाँ पे काठमांडू में भी नहीं सजाया गया था जितना अच्छा यहाँ पे स्टेज वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और सेरेमनी जो है वो स्टार्ट होने ला 7 बजे से। तो अभी से यहाँ पे ना चहल पहल काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लोग है ना काफ़ी ज़्यादा आ रहे दूर दूर से। तो भाई अभी लोग निकल चुके हैं यहाँ पे अपने हॉस्टल से, और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ भाई यहाँ पे क्या मतलब सीन चलता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अभी लोग अभी यहाँ पे कम दिख रहे हैं, बट जैसे मैं यहाँ से आगे जाऊँगा आगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और हमारे साथ एक जुड़ चुकी है स्टूडेंट की। लिनिया फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारी हॉस्टल में रुकी है। तो हम लोग सोचे कि चलो हम लोग साथ में घूमते हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या माहौल होता है यहाँ का। हम लोग काठमांडू तो इंग्लिश वाला देख लिए थे, बट यहाँ का कैसा बनता है वो हम लोग को देखना है ना। तो चलो आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ का कैसा बनता है। देखो यहाँ पे क्या हो ना, अभी रात के 8 बज रहे हैं, 8:30 होने वाला है। तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे क्राउड यहाँ पे बढ़ रहा है। अभी हम लोग को यहाँ पे मज़ा बहुत आने वाला भाई। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ का भाई नाइट लाइफ कैसा होता है। न्यू ईयर का मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और मुझे लगता है ना कि इंडियंस लोग भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं मेरी वीडियो से कि यहाँ पे न्यू ईयर कैसा होता है। और नेपाली कल्चर के यहाँ पे डांस कैसा था मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। काट दिए काट। भाई यहाँ पे तो अभी स्टार्ट हो चुका है डांस वगैरह, अभी रात के 8 बजे, अभी तो पता नहीं चलेगा, बस और थोड़ा रात होगा ना अभी और ज़्यादा मजा आने वाला। अभी धीरे धीरे क्राउड और यहाँ पे बढ़ रही है, अभी और ज़्यादा यहाँ पे मजा आने वाला भाई। हे लीना, हेलो, यू कैन नो डांस, यू नो डांस, व्हाई? यार अभी यहाँ पे ना गाना वगैरह नहीं बज रहा है ना, गाना बजेगा तब थोड़ा वाइब आएगा, अभी उतना वाइब आ नहीं रहा है। बट यहाँ पे जैसे ही गाना बजेगा ना अभी बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो यहाँ पे गाना स्टार्ट हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे 8 बज रहे हैं। देखते हैं भाई यहाँ पे गाना कितना बजे बजने वाला है। वैसे यहाँ का जो माहौल है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैप्पी माहौल लग रहा है। देखते हैं, मैं 4 बार पोखरा आ चुका हूँ, और 4 बार पोखरा आने के बाद मैं ऐसा माहौल जो है ना फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई। कमाल का माहौल है यार, यहाँ पे लोग काफ़ी आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा फोटो वगैरह खिंचाए जा रहे हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे जो है ना स्टेज लगा हुआ है, नेपाली लोग अपना कल्चर डांस सिखाएंगे अभी। सावन को बाने तीसो तीसो मौसम छा गया। ये सुनने के बाद ना मजा आ जाएगा यार। बादल बरसाते जुली सावन को पानी चीसो चीसो मौसम छा। Oh,
अभी लोग आगे देखते ना आगे वहाँ पे क्या माहौल है। अभी पीछे आपको मैंने दिखा यहाँ पे स्टेज वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे नेपाली सॉन्ग बज रहा है और नेपाली डांस वगैरह कल्चर में हो रहा है, कल्चरल डांस। तो आगे लोग देखते हैं कि आगे क्या माहौल है। अभी फिलहाल हमारे साथ सुरेन की है, साथ में जा रही है, साथ में घूम रही है। ये देखो डांस करते करते ये लोग, ये हमारे मतलब हॉस्टल में ही है, हम लोग सुबह से बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। तो अभी हम लोग साथ में घूमने निकले हैं और ये जो वीडियो ना, ये वीडियो को डॉक्यूमेंट्री नहीं होने वाला, ये वीडियो सिंपल सा ब्लॉग होने वाला। आज तक मैं ब्लॉग और पहले अपलोड करता था बट इधर से मैं डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर रहा था, बट ये जो है ना ये मैं कल अपलोड करने वाला हूँ। कल आपको शाम को ये वीडियो हो सकता है मिल जाएगा। भाई यहाँ पे ना अलग ही माहौल बना हुआ यार। भाई ये जो मतलब पोखरा लगी नहीं रहा यार, मतलब कोई एंगल से पोखरा है ये पूरा ना, पूरी तरह ही चेंज हो चुका है। आगे आपको दिखाता हूँ यार, देखो यार पूरा यार, ये ना लेक साइड है और लेक साइड में यहाँ पे ऐसा जश्न मनाया जा रहा है, ये वर्ल्ड का सेलिब्रेशन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब पता नहीं काठमांडू में कैसा हो रहा है, काठमांडू में इंग्लिश में वाला तो काफ़ी अच्छा हुआ था, अब यहाँ पे नेपाली देख रहे तो नेपाली में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। भाई यहाँ पे ना गाना नहीं बज रहे हैं, यहाँ पे लोग ना खुद से गाना मतलब खुद से बजा रहे हैं, जो भी आता है उससे गाना बजा के यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा है। अब यहाँ पे लगता है नागिन डांस हो रहा है। यहाँ पे कल्चरल नेपाली डांस हो रहा है, अब क्योंकि यहाँ पे नेपाली न्यू ईयर है तो यहाँ पे नेपाली डांस ही होगा ना। यहाँ पे देखो कि ये नेपाली डांस यहाँ पे हो रहा है। वो गो नाउ, हे यू कैन गो नाउ, वी आर वेटिंग फॉर योर डांस। Dina, you do like Nagi dance? Snake dance? Okay. Snake dance? Yeah. तो यहाँ पे क्या ना कि यहाँ पे अभी ना 8:30 हो चुके हैं, तो यहाँ पे अभी ऐसा माहौल नहीं है। अभी जैसे रात होगा ना वैसे वैसे यहाँ पे माहौल बनेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 8:30 बजे ये ऐसा यहाँ पे भीड़ हो चुका है। अभी तो 8:30 हुए, अभी 12 बजने में काफ़ी टाइम है। अभी 12 बजे तो शुरू यहाँ पे कैसा भीड़ होगा यार, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा यहाँ पे ना। आप देख सकते कहीं भी जाओगे ना यहाँ पे हर कोई अपना अपना डांस यहाँ पे कर रहा है, कोई यहाँ पे कोई माइक लगाया, कोई स्टेज लगाया, सब जगह अपना अपना सब डांस कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग ना लेक साइड का यहाँ पे देखें यहाँ पे कैसा रौनक है। अब हम लोग जा रहे हैं ना जो मेन जो लेक साइड है तलवाई मंदिर की साइड, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या अभी माहौल बना है। अभी तो 8:30 ही हुए हैं, अभी तो उस टाइप का माहौल नहीं है, बट फिर भी अभी ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा यार मज़ा आ रहा है यार। यहाँ पे अलग ही वाइब आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना नेपाली सॉन्ग बज रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। अभी यहाँ पे ना क्या ना, यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आए हैं यहाँ पे उनका कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो पता नहीं यहाँ पे क्या, बाद में आपको दिखाऊँ यहाँ पे कौन आए हुए हैं। पहले लोग आगे देखते हैं यहाँ पे लेक साइड में कि यहाँ पे क्या माहौल है, भाई लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शायद इसको ना थाईलैंड में लोग पिंग पोंग बोलते हैं ना, पिंग पोंग उसी टाइप का यहाँ पे ना एक्टिविटीज़ वगैरह हो रहा है, जैसे सेम टू सेम थाईलैंड में होता है ना। ये कुछ प्राइज भी मिलेगा क्या? अभी ना यहाँ पे ना 10:44 हो रहा है और यहाँ पे देखो भाई अलग चौक में अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ना पुलिस वगैरह प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग, और यहाँ पे देखो ना यहाँ पे शंकर भगवान यहाँ पे बने हुए हैं। यानी कि यहाँ पे भीड़ तो यहाँ पे है बट वो काठमांडू वाले देखे थे ना यहाँ पे, वो हमें देखने को नहीं मिला। काठमांडू का जो था ना जनवरी का, वो भाई बहुत ही ज़्यादा अलग था, बट यहाँ का भीड़ देख सकते हो भाई ऐसा भीड़ है। अभी रात के ना 11 बज चुके हैं और वहाँ पे रात के 11 बजे बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता, बट यहाँ पे बहुत ही कम है। देखो भाई मैं आपको सच ओपिनियन बताता हूँ, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, मैं जो यहाँ पे काठमांडू में मैं जनवरी में जो देखा था ना, वो भाई मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है भाई। वो जो मैं काठमांडू में मैं जो न्यू ईयर वहाँ पे सेलिब्रेशन वहाँ पे मैं जो देखा था, मैं अपने पूरा लाइफ में वहाँ से सेलिब्रेशन नहीं देखा था, इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राउड हो गया था।